हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं बनाने जा रही हूँ सोया चिल्ली की रेसिपी। इसे बनाना तो आसान है ही, लेकिन खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो चलिए सोया चिल्ली बनाना शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो देखने के बाद अच्छी लगे तो लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने एक कप सोया चंक्स लिए हैं, इसमें गर्म पानी डाल देंगे और इसे फूलने देंगे। ये देखिए हमारे सोया चंक्स अच्छे से फूल चुके हैं। इसके पानी को अच्छे से निचोड़ लेंगे। सारे पानी को मैंने अच्छे से निचोड़ लिया है, ये देख सकते हैं आप। इसमें पानी बिल्कुल ना रहने दें। अब इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। आधी छोटी चम्मच नमक डाल दें, एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दें इसमें, एक चम्मच मैदा और एक चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल दें और सारी चीज़ों को हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर ये मिक्सर ज़्यादा ड्राई है तो आप इसमें एक चम्मच पानी डाल सकते हैं। ये देखिए सोया चंक अच्छी तरह से सारी चीज़ों में कोट हो चुके हैं। गैस पर मैंने कढ़ाई गर्म होने के लिए रखा है। तेल हमारे अच्छे से गर्म हो चुके हैं, देख सकते हैं आप। इसमें एक एक करके सारे सोया चंक्स को डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेंगे। अच्छी तरह क्रिस्पी होने दें। ये देखिए मैंने सारे सोया चंक्स को डाल दिए इसमें और इसे पलटते हुए क्रिस्पी होने तक पका लेंगे। सोया चंक्स को पकने में समय नहीं लगता है, बस इसे हमें क्रिस्पी करना है। ये देखिए ये हमारे क्रिस्पी हो चुके हैं। इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। और सेम प्रोसेस से सारे सोया चंक्स को फ्राई कर लेंगे। ये देखिए मैंने सारे सोया चंक्स को फ्राई कर लिए हैं। अब गैस पर एक कढ़ाई गर्म करेंगे। कढ़ाई के गर्म होते इसमें ऑयल डालेंगे। ये मैंने ऑयल डाल दिया है। ऑयल को अच्छे से गर्म हो जाने देंगे। फिर इसमें डालेंगे 4 से 5 लहसुन की कलियां, जिन्हें मैंने बारीक काट लिया है, और एक हरी मिर्च, इसे मैंने 20 से चीरा लगाकर काट लिया है, इसे भी डाल दें साथ में और 1 मिनट के लिए इसे भून लेंगे। चलाते हुए 1 मिनट के लिए भून लें इसे। ये देखिए लहसुन और हरी मिर्च अच्छे से भून चुके हैं। अब मैंने ये प्याज को बल्स में काट लिए हैं और ये कैप्सिकम को मैंने बल्स में काट लिए हैं। प्याज डाल दें इसमें और प्याज को चलाते हुए हल्का सॉफ्ट होने तक पका लेना है। ये देखिए प्याज हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं, देख सकते हैं आप। अब इसमें डालेंगे कैप्सिकम, इसे भी हल्का सॉफ्ट होने तक पका लें। ये देखिए प्याज और कैप्सिकम सॉफ्ट हो चुके हैं हमारे, देख सकते हैं आप। इसे ज़्यादा पकाना नहीं है, बल हल्का सॉफ्ट करना है। अब इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर, एक चम्मच टमाटो केचप, डार्क सोया सॉस मैंने यूज़ किया है इसमें, 2 चम्मच डार्क सोया सॉस डाल दें और सारी चीज़ों को अच्छे से मिला देंगे। अब इसमें डालेंगे रेड चिली सॉस, दो चम्मच रेड चिली सॉस डाल दिया। अब एक बार सारी चीज़ों को मिला दें अच्छे से। अब इसमें डालेंगे नमक। नमक थोड़ा कम डालेंगे क्योंकि हमने सोया चंक्स में भी नमक डाला था और सारे सॉस में नमक रहते हैं, तो नमक का इस्तेमाल थोड़ा हिसाब से करेंगे। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच वाइट विनेगर, अच्छे से पका लें मिलाते हुए। अब मैंने 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है, इसमें 2 चम्मच के करीब पानी डालेंगे और इसका एक घोल बना लेंगे, एक पतला सा घोल बना लें इसे मिलाते हुए। ये देखिए अब इसमें डाल देंगे कॉर्नफ्लोर। पैन पे जाते ही ये बहुत जल्दी सॉस थिक होने लगते हैं, तो इसे जल्दी से मिला लें और इसमें फ्राई किए हुए सोया चंक्स को डाल देंगे और सारे सोया चंक्स को सॉस में कोट कर देंगे। अच्छे से मिलाते हुए कोट कर दें इसे।
ये देखिए, इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, बस 1 मिनट के लिए पका लेना है। अब गैस को बंद कर देंगे और इसे एक प्लेट में सर्व कर लेंगे। सोया चंक्स हमारा बिल्कुल बन के रेडी है, देखा ना आपने, इसे बनाने में बिल्कुल समय नहीं लगा। आपको मैक्सिमम 10 मिनट लगेंगे इसे बनाने में। इसे बारीक कटी हुई हरी मिर्च से गार्निश कर लेंगे। अगर आपके पास हरे प्याज है तो आप इसमें डाल सकते हैं। इसे आप गर्मा गर्म खाइए, ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। एक बार आप इस रेसिपी को बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही पसंद आएगी।